हमने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लिया है, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप इसमें अपना ईमेल आईडी या इनरोलमेंट नंबर डाल के और अपना पासवर्ड डाल के इस कैप्चा को डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप इस न्यू यूजर पे जा सकते हैं, आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसमें अपना नेम फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी फिल कर देता हूँ। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ मिडिल नेम डाल देंगे, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इस सर नेम पे आके अपना सर नेम डाल सकते हैं और आप यहाँ पे इस पे कंफर्म कर सकते हैं। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना है, आपको उसी मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है, उसी नंबर को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा डालना होगा। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहाँ कैप्चा को फिल कर देना है। आप इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी जो वहाँ पे फिल किए हैं या इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे फिल कर देना है। आपको वही पासवर्ड फिल करना है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम डाले थे और आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है और इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ पे फिल करने के लिए ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको अगर दो पेपर देना है तो इस टू पे क्लिक कर देंगे, अगर आपको एक ही पेपर देना है तो इसे इस वन पे ही सिलेक्ट कराने देना होगा। और आपको यहाँ पे अपना ब्रांच चूज कर देना है, यहाँ पे अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने अनुसार यहाँ पे अपने चार सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस सेव पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, आप उसके बाद आप अपना यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी कैटेगरी में हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। आप यहाँ पे अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी को भी यस या नो कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। आपको यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, आप अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने आईडी का नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे अपने गार्जियन का नाम डाल देना है और अपने गार्जियन का नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, सेव करके इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस पूछेगा, आप यहाँ पे अपने एड्रेस को डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है, आप यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे भी फिल हो जाएगा। अब अगर आपका ये सिटी नहीं है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आप इसे सेव करके नेक्स्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का पिन कोड फिल कर देना है, आपका कॉलेज जहाँ पे स्थित है आप उसका यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देंगे और आप अपने यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे और आपको अपने यहाँ पे कॉलेज के शहर का नाम डाल देना है। आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी डिग्री कर रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रांच सिलेक्ट कर देना है, अगर आपकी डिग्री कम्प्लीट हो गई है तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है और आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम फिल करके आप इसे सेव कर देंगे और आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने फोटो को फिल कर देना है, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट लिखा हुआ है आपको उसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आप यहाँ पे चूज एंड फाइल पे क्लिक करके अपने फोटो को अपलोड कर देना है, आप इस चूज एंड फाइल पे जाके अपने साइन को अपलोड कर देना है, यहाँ पे आप अपने आईडी को अपलोड कर सकते हैं
यहाँ पे लिखा है आपकी आईडी पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी की है तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पे गेट के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। आप इस सेव एंड व्यू पे क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। आपको जो भी गलती यहाँ पे मिलेगी आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिग्नेचर के लिए सिंपली अपना नेम फिल कर देना है। आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करने के बाद सबमिट एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे जो नंबर या मेल आईडी डाले हैं उस पे ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करके ओके पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप इस कैप्चा को फिल कर देंगे और मेकअप पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, अगर क्रेडिट कार्ड है तो इस पे क्लिक करके, नहीं तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।